Hey guys, welcome back to the channel. Hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये पहले का ब्लॉग है. इसके बाद ही हमारा रिसेप्शन पार्टी हुआ है एंड भाभी को जो सबने गिफ्ट दिया ये भी उसके बाद हुआ है. रूम डेकोरेशन सब इस ब्लॉग के बाद हुआ है. मैंने सोचा था कि ये वाला ब्लॉग पहले डाल दूंगी, बट कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करते, इसलिए मैंने पहले वो सब ब्लॉग ऐड कर दिया. देन ये वाला ब्लॉग, ये शादी के 4th डे का है एंड जो शादी के 10th डे जिस दिन भाभी अपने मायके गई है, ये दो ब्लॉग में मिला के आज मैं ऐड कर रही हूँ. तो ये शादी के 4th डे, हम लोग चतुर्थी जिसको बोलते हैं, उस दिन का ये ब्लॉग है. उसी दिन हमारा एक हवन होता है, बट किसी रीज़न के वजह से वो जो हवन है थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था. तो इस दिन का हमारा यहाँ रिवाज होता है कि जो नई दुल्हन होती है उनके घर से मिठाई आती है, मिठाई एंड ऐसे फ्रूट्स वगैरह ये सब आता है. जब मैं शादी करके गई थी ना, तो मैं भी लेके गई थी, ट्रक भर के गया था हमारे घर से, क्योंकि मैं गांव में गई थी शादी करके एंड गांव भर में मिठाई बांटनी होती है. एक्चुअली क्या होता है ना, जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जैसे चाचा, मामा, मामी, मौसी, इन सब के लिए तो कपड़े आते हैं नई दुल्हन के घर से, एंड हमारे घर से भी उन सब के लिए भी कपड़ा जाएगा, भाभी के घर वालों के लिए भी सबके लिए कपड़े जाएगा. बट जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं, नेबर्स हैं, तो उन सब के लिए मिठाई आता है. ये एक रिवाज है, ये कोई दहेज सिस्टम नहीं है, ये जस्ट रिचुअल है कुछ. तो मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा मना किया था, क्योंकि मम्मी बोल रही थी मैं अकेले ये सब काम नहीं कर पाऊँगी, किसी को बांटना ये वो सब मैं नहीं कर पाऊँगी. फिर भी थोड़ा बहुत जो भाभी के पापा अंकल जी, उन्होंने भेजा है. तो जब ये सब आके पहुँचा ना, भाभी के भाई लेके आए थे, उनका एक ही भाई है तो वो लेके आए थे एंड कुछ कजिन्स लेके आए थे, तो घर में और कोई नहीं था, तो खुद दूल्हे राजा एंड जीत ये सब सामान जो है वो ऊपर उठा के ला रहे हैं. तो पहले ये मुझे ब्लॉग डालना चाहिए था, बट लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते, इसलिए मैं बाद में ऐड कर रही हूँ. तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे ये ब्लॉग स्टार्ट किया था, शुरुआत से ब्लॉग देखते हैं. ही गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल. होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो गांव से हम लोग आके दोपहर को पहुंच गए थे. एक्चुअली आज चतुर्थी है, शादी के 4th डे को हम लोग चतुर्थी बोलते हैं, जिस दिन एक हवन होता है एंड उसके बाद ही जो दूल्हा दुल्हन है अपना मैरिड लाइफ जो है वो स्टार्ट करते हैं. बट एक रीज़न की वजह से आज वो पूजा नहीं हो रही है, 2-3 दिन के बाद होगी. एंड आज वाले दिन जो होता है वो दुल्हन के घर से ऐसे मिठाई वगैरह जो सब वो आता है. मम्मी ने मना किया था कि ज़्यादा मिठाई वगैरह मत भेजना, क्योंकि फिर ना वो मिठाई सब ना बांटना पड़ता है आस पड़ोस में, उन्होंने कौन है ये सब काम करेगा. तो अभी इतना ज़्यादा कुछ मत भेजना, जो थोड़ा थोड़ा लिमिटेड भेज देना. तो जो भाभी के भैया है वो लेके आएंगे, उनका एक ही भाई है, बाकी उनका जो कज़न्स है वो लेके आएंगे से घर. तो शाम को वो लोग आएंगे, हम लोग दोपहर को आके खाना वाना खा के बैठे हैं, बस वो लोग आ जाएंगे, फिर देखते हैं फिर क्या होता है. पूजा तो पोस्टपोन हो गई है, 2-3 दिन के बाद होगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ. सो जैसे कि मैंने बताया ब्लॉग के स्टार्टिंग में कि ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये रिसेप्शन पार्टी से पहले का रिकॉर्डेड है, बट बाद में मैंने पोस्ट किया है. तो ये रिसेप्शन, ये वाला जो क्लिप है, ये रिसेप्शन पार्टी से बस 1-2 दिन पहले का ही है. तो ये वाली जो मेरी भाभी है ना, मेरी बुआ की बहू है ये, इनका एक पार्लर है खुद का एंड बहुत अच्छा फेशियल करते हैं. तो अभी रात के 12 बजे सब लोग रिसेप्शन पार्टी की तैयारी कर रहे हैं. तो यहाँ पे चाची, मैं सब फेशियल करवा रहे हैं एंड मेरी जो बहन है ये डॉक्टर है, तो ये मेरा फिजियोथेरेपी कर रही है. तो रात के 12 बजे ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा है. मेरी जो चाची है ऐसे ही फेस पैक लगा के गाड़ी में बैठ के अपने घर गई थी रात के 12 बजे. तो यही सब हंसी मजाक चल रहा था उस दिन एंड रिसेप्शन पार्टी की तैयारी चल रही थी. तो चाची ऐसे घर जाएगी चोराएगा, देख के भाग जाएगा. मिरर देख दिले गोस्ट.
सारा बांटा जा रहा है आस पड़ोसी रिश्तेदार में जो बहू के घर से आया है। आफ्टरनून गाइस, तो कल से ये वाला ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया हुआ है। भाभी के घर से कल मिठाई वगैरह सब कुछ आया है। मम्मी ने मना किया था क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि चतुर्थी वाले दिन जो होता है वो मिठाई आता है, एंड वो मिठाई सारे रिलेटिव्स आस पड़ोस में बांटा जाता है। मिठाई, सब्जी, चावल, दाल, ये सब आता है। मम्मी ने मना किया था कि कुछ मत भेजना, मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब। फिर भी वो थोड़ा बहुत तो करते हैं, तो उन्होंने जितना भी भेजा था वो सब मामी लोग मिलके, मामी मेरी चाची सब सुबह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, एंड उनके घर से कपड़े आए हैं सबके लिए। मेरे लिए जो ननंद पुटली होता है, एक उड़ीसा में बोलते हैं ननंद पुटली उसको, तो वो अलग से आता है ननंद के लिए, वो पहले आ जाता है मतलब जब विदा होके आते हो। तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मेरे लिए क्या आया है। एंड हनी बनी जो भांजा या कोई भी नेफ्यू जो होता है वो मतलब क्या होता है ना, वो मार्कंडी होके जाता है, हनी बनी से माला वाला पहन के वो सब गया था ना, तो उसके लिए अलग कपड़ा आता, तो वो हनी बनी के लिए आया था। वैसे सेपरेटली सबके लिए, सारे रिलेटिव्स वगैरह के लिए कपड़े आता है बहू के घर से, तो वो सब आया है, वो मैं इवनिंग को ओपन करूँगी, तो छोटा छोटा क्लिप्स आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगी। एंड ब्लॉग्स मैं ऐसे ऐसे बना रही हूँ, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, आप लोग समझ पा रहे होंगे। शादी के घर में जितना हो पा रहा है मैं उतना आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के मन में। क्वेश्चंस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि सबका रिचुअल्स डिफरेंट होता है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हमारा उड़ीसा में, उड़ीसा के अंदर भी वेस्टर्न उड़ीसा में डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, वो तो छोड़िए भाभी के घर में डिफरेंट कल्चर, हमारे डिफरेंट, तो इस टाइप का होता है, इसीलिए आपके मन में डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो होता है मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो एंड अभी जस्ट मैंने देखा कि भाई भाभी का रूम डेकोरेट नहीं हुआ है, तो भाई हमारा यहाँ पे शादी वहाँ पे होके आ गई, बट यहाँ पे एक हवन होता है ससुराल में चतुर्थी वाले दिन, जिसको शादी के फोर्थ डे पे, बट किसी कारण की वजह से जो चतुर्थी है पूजा, जो हवन है वो पोस्टपोन हुआ है 2-3 दिन के लिए, तो उसके बाद वो हवन होगा, देन दे विल स्टार्ट देयर मैरिड लाइफ। तो इस टाइप का है, छोटे छोटे रिचुअल्स हो रहे हैं बीच बीच में, एंड मतलब एवरीडे इवनिंग को भाई भाभी को वो जो होता है ना बंदानो, तो वो होता है, तो इस टाइप का चल रहा है। एंड हलवाई हमारा पूरा शादी वाले दिन से लेके रिसेप्शन के बाद तक रहेगा, जो कि 3 टाइम का खाना बनाता है, एंड सेम बाउंड्री में सभी लोग रहते हैं, बुआ, उनकी सारी बहुएं जो मेरी भाभियां हैं, एंड चाचा, चाची, मामी लोग सब आते हैं, तो यहीं पे सब लोग खाना वाना खाते हैं, तो यहीं पे सब रहते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। एंड भाभी के पास ही, भाभी ऊपर वाले रूम में रहते हैं मोस्टली, बीच बीच में नीचे आते हैं बस, बाकी सारे जो छोटे छोटे ननंद हैं उनके, वो सब उनको बिजी रखते हैं ऊपर, हनी बनी वहीं पर रहते हैं। तो बस यही है शादी के थोड़े बहुत रिचुअल्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मैं खाना खा लूँ, मैंने अभी तक लंच नहीं किया है, मैं वो सब कर लूँ, देन इवनिंग को जब वो सब ओपन करेंगे ना कपड़े वगैरह, तो मैं छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। डॉक्टर सोनाली, आई एम सिटिंग हियर, क्या कर रहे हो? एन्जॉय। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे तरफ से जो साड़ी आया है उस पे नाम लिखा जा रहा है कि किसको कौन सा दिया जाएगा, ताकि मम्मी बाद में कंफ्यूज नहीं होगी, इसीलिए नाम लिखा जा रहा है। सोना का नाम किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। Thank you.
तो गाइज अभी नई दुल्हन के घर से जो भी सामान आया है वही खोला जाएगा। सबसे पहले ये आया है जीत का शर्ट पैंट एंड उसके साथ में ब्लेजर, मेरा ड्रेस कपड़ा हनी बनी का, एंड वो है सासू माँ का। दिखाओ क्या आया है। सासू माँ के लिए इयर रिंग एंड उसके अंदर साड़ी है एंड एक शॉल है। कश्मीरी ये अंडे साड़ी। ओके अभी ये इस बैग में रिश्तेदारों के लिए कुछ आया है सामान, तो उसको ओपन करते हैं। ये हमारा अभी साइड कर देते हैं। ये होगी कौन मिस्टर एंड मिसेस प्रताप अंकल। बाबा प्रताप अंकल तो जीन्स आगे प्रताप अंकल वाइफ बुआ को क्या हुआ? मम्मी नंबर 5 जो सबसे ज्यादा डांस किया बुआ बुआ तीन बुआ एक ले चुके हैं और सोनू सोनाली देवर और ननंदी सोनू देख के चौड़ा पैंट दे शर्ट नहीं शर्ट और जीन्स और इसका है ये गाउन है तो बोले देखो गाउन छोटे वाले देवर एंड ननंद मोनाली एंड मुन्नू मुन्नू का भी जीन्स और मोनाली का गाउन ये भाभी नी देखो भाभी नी देखे ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ସେ ଆସିଲେ ପାଣି ଚା ଦଉଛି
मामी नंबर थ्री सब ये जो सासू माँ है ये बोलेंगे ये इसका इतना अच्छा है मुझे दे दो ये बोल नहीं इसमें इसमें कोई ताज्जुब नहीं है सारी लेडीज ऐसे ही बोलती अपनी थाली का जो होता है ना वो खाना कभी सुंदर नहीं दिखता गाइस ये पागल पागल लड़कियों को देखिए रात के 12 बजे अभी हॉरर मूवी देखेंगे और सोएंगे भाभी को भी डराएंगे उनके पास सब लोग सो रहे हैं नहीं भाभी भी इन्हीं के कैटेगरी की है हॉरर मूवी देखने आई आई विच वन कौन रुक जाओ डेड साइलेंस सुबह सब पता नहीं जिंदा होगा कि नहीं मैं तो चली नीचे भाई चलो से बाय गुड नाइट टू एवरीवन गुड नाइट बाय सो गाइस इससे पहले जो आप लोगों ने क्लिप देखा वो सब शादी के फोर्थ डे का था जब भाभी के घर से हमारे घर के लिए मिठाई एंड हमारे घर वालों के लिए कपड़े वगैरह आए थे आज जो ये वाला जो क्लिप है ये शादी के 10th डे का है जिस दिन भाभी अपने मायके जा रही हैं एक्चुअली हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि नई दुल्हन जो होती है वो शादी के 8th डे 10th डे या 16th डे को अपने मायके जाती है तो भाई भाभी आज जा रहे हैं ये वाली जो साड़ी भाभी ने पहन रखी है ना ये हमारे घर की तरफ से उनको उनके एंगेजमेंट में दिया गया था तो बस भाभी के जो भैया है उनको लेने आए हैं एंड ये दोनों जा रहे हैं सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे तो भाभी के साथ में मम्मी ने ये सब कुछ आद गिफ्ट उनके घर वालों के लिए भेजा है जैसे हमारे घर के लिए उन लोगों ने भेजा था ना कपड़े घर वालों के लिए वैसे ही मम्मी ने भी सबके लिए भाभी के घर वालों के लिए कपड़े लिए थे एक्चुअली शादी के हौस पौस में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ क्योंकि मम्मी ने क्या लिया है ये तो सारा अभी पैक हो चुका है बस ऊपर से थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ आई थिंक ये खाली साड़ियाँ हैं बाकी भाभी के भैया के लिए जो कपड़े वगैरह है मतलब जो शर्ट पैंट्स है वो शायद ऑलरेडी जा चुका है तो ये कुछ आद मिठाई हैं कुछ आद गिफ्ट्स हैं कुछ आद साड़ियाँ हैं ये सब भाभी के साथ में मम्मी ने भेजा है उनके घर वालों के लिए ऐसा ही होता है जब दो लोगों की शादी होती है तो उनके साथ साथ दो फैमिली भी आपस में जुड़ते हैं तो बस एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है तो एज ए टोकन ऑफ लव मतलब जो
क्लोज रिलेटिव से उनको नए कपड़े एंड मिठाई दिया जाता है। जस्ट ये हमारा एक रिचुअल, एक ट्रेडिशन है, आई थिंक हमारा ही नहीं सभी का ही है, तो इसको बिल्कुल भी गलत वे में मत लीजिएगा। जितना उनके तरफ से आता है उतना हमारे तरफ से भी जाता है। थोड़े बहुत लोग कुछ आदमी मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। तो बस ये जब क्लिप लिया गया था ना, तब मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं वापस आ गई हूँ, तो मेरे भाई ने ये वाला क्लिप लेके मुझे भेजा है। एंड शादी के कुछ आध ब्लॉग्स और भी आगे आने वाले हैं जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे भाई के शादी के ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। एंड आशा करती हूँ आगे आने वाले ब्लॉग्स को भी आप लोग उतना ही सपोर्ट करेंगे, उतना ही प्यार देंगे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड मिस यू ऑल।